श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक संख्या 23। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम् त्वय्यैवाहं समर्चितः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाएं कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवद्गीता में कहा गया है, वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। वे एकनिष्ठ भक्त को चाहे वो जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री युतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देख रहे हैं भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं, कर्दम मुनि भगवान की स्तुति करते हैं और उसके पश्चात अभी भगवान ये वचन कर्दम मुनि से कह रहे हैं। तो भगवान कर्दम मुनि से कहते हैं, भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है और वे सबकी मनस्थिति, उनके चित्त में क्या चल रहा है वे जानते हैं। यहाँ भगवान ये कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे हृदय कि जो स्थिति है, हमारे मन की स्थिति है, भगवान समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान भगवद्गीता में उद्घोषणा करते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतानि और सभी जीवों के बारे में, सभी जीवों की मनस्थिति, उनकी चित्त अवस्था में जानता हूं। क्योंकि इस शरीर में दो आत्मा है, चित्त कण आत्मा है, चित्त कण जो चीजों को अनुभव अनुभूति करता है, जो जानता है। तो हम शास्त्र से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ये शरीर में दो आत्मा है, एक है जीवात्मा और दूसरे हैं परमात्मा। उपनिषदों में कथन है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति यह मुह्यमानम जुस्तम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः।
तो एक है जो इस वृक्ष पर अपने कर्मों के अनुसार जो फल मिल रहे हैं उसका उपभोग कर रहा है, वास्तव में भोक्ता नहीं है लेकिन उसे लगता है कि वो भोक्ता है। परम भोक्ता तो भगवान है, परमात्मा, इसीलिए शास्त्र में वर्णन है उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर। वास्तव में भोक्ता है भगवान और जीव है भुक्त, जो भगवान की भोग्य की सामग्री है, लेकिन इस जगत में अपनी बद्धावस्था में वो अपने आप को भोक्ता समझता है, स्वामी समझता है, इस प्रकार से वो स्वामी के रूप में कार्य कर रहा है मिथ्या अहंकार के कारण। तो अपने कर्मों के अनुसार उसे एक प्रकार का शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर में उसे ये फल प्राप्त होते हैं सुख और दुख के, और वो भी नियोजित है, वो प्रयास कर रहा है सुख के लिए लेकिन दुख आता है। प्रहलाद महाराज समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद बार बार दोहराते हैं कि कोई भी दुख के लिए आवेदन नहीं करता है, बहुत समय से दुख नहीं आया, ऐसा नहीं होता है लेकिन दुख आता है। इसी प्रकार से जैसे दुख प्राप्त होता है ऐसे ही सुख प्राप्त होता है, हर एक के जीवन में सुख और दुख का कोटा है, उसे प्राप्त करना ही है कितना भी वह प्रयास कर ले, है ना। जिस प्रकार का शरीर उसे दिया गया, शरीर मन इत्यादि, तो उससे उसे ये सुख और दुख मिलेगा ही, उससे बच नहीं सकता है। इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, देह योगेन देहिनाम, तो देहिनाम जिसने ये देह धारण किया है उस देह के अनुसार उसे निर्धारित सुख और दुख की प्राप्ति होगी ही, वो बच नहीं सकता है, है ना। हम देखते हैं हमारे पास कितना भी धन हो, हम अच्छी से अच्छी दवाई अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज ले सकते हैं, लेकिन जो कष्ट आना है उस कष्ट से तो हम बच नहीं सकते। इसीलिए जो विद्वान जन है वो पूछते हैं कि मैं ये कष्ट नहीं चाहता हूँ, आदि आत्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट, लेकिन ये कष्ट मुझ पे क्यों आता है, इससे कैसे मैं बाहर निकलूं। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस शरीर में दो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा है वो अपने आप को भोक्ता समझता है लेकिन वो वास्तव में भोक्ता नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार वो सुख और दुख प्राप्त कर रहा है, और वो सुख और दुख भी कैसे है उसके हाथ में नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, भगवान से विलग होकर भोग करने की इच्छा से भौतिक प्रकृति गुणों का संसर्ग करता है और उस गुणों के अनुसार उसे एक प्रकार का शरीर दिया जाता है। सत असत जन्म, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे ही हम गुण का संपर्क करते हैं और हमें एक प्रकार का शरीर, कारणम गुण संगस्य सद असत जोनि जन्मशु, प्रकृति गुणों का संपर्क किया और हमको एक प्रकार का शरीर मिला। अब जिस प्रकार का शरीर मिला उस शरीर से हम बंध गए, उस शरीर के गुणों से हम बंध गए, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, और उस शरीर के अनुसार हमें सुख और दुख भोग करना है। सबका अलग अलग शरीर है, इसकी उपमा हम देख सकते हैं कि सबकी अलग अलग गाड़ी है, कोई गाड़ी छोटी है उसमें चार लोग बैठ सकते हैं, कोई गाड़ी बड़ी है आठ लोग बैठ सकते हैं, है ना, कोई तेज चल सकती है कोई तेज नहीं चल सकती, कोई पुरानी है कोई नई है, तो उसी के अनुसार वो कार्य होगा। वो जिस प्रकार की कार्य है वो दूसरी कार का कार्य नहीं कर सकती, इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार का शरीर मिला उस शरीर के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होंगे। तो परमात्मा वो जीव के साथ है और उस जीव के सभी सुख और दुख को वो समझ रहे हैं, और केवल सुख और दुख को नहीं उस जीव की सारी चेष्टाओं को भी समझ रहे हैं, जीव क्या अभिलाषा करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबको सबके हृदय में परमात्मा
रूप में स्थित है, अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाएं कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। तो भगवान को पता है हमारी इच्छा क्या है, इसीलिए हमारी इच्छाओं के अनुसार भगवान हमें अनुमति देते हैं। तो उपद्रष्टा अर्थात भगवान साक्षी है, हर एक गतिविधियों को भगवान जानते हैं और उन गतिविधियों के अनुसार जो हमारी इच्छाएं हैं, जिस इच्छा की शुरुआत होती है भगवान से विलग होकर इस जगत में भोग करने की, अब उस भोग की प्रकटीकरण अलग अलग रूप में होता है, तो उसको भगवान अनुमति देते हैं, अनुमंताच। तो ये हमें, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमें समझना चाहिए कि जीव बिना भगवान की सहायता ये कुछ भी नहीं कर सकता। इस जगत में जीव भगवान बनने की इच्छा से आता है कि नहीं नहीं भगवान, कोई भगवान नहीं, मैं भगवान। लेकिन वो भगवान बनने के लिए भी केवल उसकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, भगवान की सहायता की आवश्यकता है, भगवान को ये जगत बनाना पड़ता है। हमने 2-3 श्लोक पहले भी इसे पढ़ा, यहां वर्णन आता है कि भगवान की इच्छा नहीं है ये जगत बनाने की, लेकिन भगवान विवश होते हैं। एक जीव जब जिद करता है भगवान से स्वतंत्र सुख प्राप्त करने के लिए, तो भगवान विवश होते हैं एक अलग जगत का निर्माण करने के लिए। जीव तो केवल इच्छा कर रहा है स्वामी बन जाऊं, लेकिन बिना भगवान की सहायता के वो स्वामी भी नहीं बन सकता। तो ये स्थिति है, और फिर उसकी इच्छाओं के अनुसार भगवान अनुमंता च, अलग अलग प्रकार की स्थिति, अलग अलग प्रकार के शरीर उसे प्रदान करते हैं। तो वास्तव में भगवान सबके हितैषी है। यहां कर्दम मुनि बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी निम्न इच्छा है नारकीय सुख भोग करना, भौतिक इच्छा मतलब क्या है, भौतिक इच्छा में हमें लगता है कि सुख मिलेगा लेकिन अंततोगत्वा दुख है, अज्ञानता के कारण हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। भगवद गीता में भगवान इसीलिए समझाते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। वास्तव में सुख नहीं है, सुख है भगवान की दिव्य सेवा में। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, वो वास्तविक आनंद है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हर एक चीजों को जानते हैं और उसके अनुसार उनको अनुमति देते हैं, और जैसे एक जीव का स्तर है उस तरह से वो भगवान से मांगता है, अभिलाषा करता है, भौतिक चीजें मांगता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, प्रभुपाद इसलिए बार बार कोट करते हैं कि लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी दैनिक रोटी दे दीजिए, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान से ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिसकी व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए पहले से ही कर दी है। यहां कर्दम मुनि से भगवान क्या कहते हैं, पुरैव समयोजित, जो तुम्हारे हृदय की आकांक्षा है मैं जानता हूं और मैंने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। तो इस प्रकार भगवान सभी जीवों की व्यवस्था करते हैं। भगवान कौन है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ही है जो सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं, बिना बताए भी पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वन में हजारों हाथी हैं, वो एक समय पर 60 किलो खाना खाते हैं, तो भगवान ने उनके लिए व्यवस्था कर दिया। हाथी के लिए भी व्यवस्था है, चींटी के लिए भी व्यवस्था है। इस प्रकार से हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी है। किस प्रकार से, जो हमारे लिए उचित है उस अनुसार, जितना हम डिजर्व करते हैं, है ना, वो भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था कर दी है हमारे कर्म फलों के अनुसार, तो वो इस जीवन में हमें मिलनी ही है। तो यहां हमें ये समझना है कि यहां भगवान कर्दम मुनि से ये जो वचन कह रहे हैं उसमें भगवान क्या कर्दम मुनि से कहते हैं, भगवान कहते हैं विदित्वा तव चैत्यम में, आपके हृदय में क्या अभिलाषा है मैं जानता हूं, पहले से ही मैं जानता हूं। पुरैव समयोजित, और उसके लिए मैंने पहले से व्यवस्था कर दी है। फिर आगे भगवान कहते हैं यदर्थम आत्मनियमैस
त्वयेवाहं समर्चितः यदर्थम आत्मनियमेश आत्मनियमेश अर्थात अपनी इंद्रियों मन को निग्रह करके जिस प्रकार से आप मेरी सेवा में नियोजित हैं, यदर्थम जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को भी मैं जानता हूं। तो यहां कर्दम मुनि का क्या उद्देश्य है? एक स्तर से ऐसा प्रतीत होता है कर्दम मुनि भगवान की सेवा में लगे हैं, लेकिन उनके हृदय में भौतिक आकांक्षाएं हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो यहां ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि अर्थार्थी, उनके हृदय में भौतिक अभिलाषाएं, इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं और ऐसी स्थिति है। लेकिन साथ साथ भगवान यहां कह रहे हैं त्वया एव अहम समर्चितः, पूर्ण रूपेण कर्दम मुनि यहां भगवान की ही सेवा में लगे हैं। उनकी समाधि में उन्होंने भक्तिमय रूप से भगवान की सेवा की और इस भक्तिमय सेवा से ही भगवान प्रसन्न हुए। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? गीता में भगवान कहते हैं तदम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः, जो भक्ति द्वारा चीजें प्रदान होती है वही मैं ग्रहण करता हूं, वरना ना योग न ज्ञान न ध्यान, भगवान किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, केवल भक्ति उपरितम। तो इस समाधि योग में भगवान के ध्यान में भी भक्तिमय सेवा से कर्दम मुनि ने भगवान को प्रसन्न किया। और कैसे प्रसन्न किया? यहां भगवान कहते हैं आत्मनियमैः, आत्मनियमैः अर्थात अपनी सभी इंद्रिय और मन को एकाग्र करके प्रयत्न किया भगवान को प्रसन्न करने का। मतलब एक जीव का गंभीर प्रयास है भगवान को प्रसन्न करने का, इस प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की सेवा है ये गंभीर विषय है, भगवान की सेवा ये कोई सहज खेल नहीं है जैसे कई लोग ऐसे समझते हैं। हम तो भक्ति करते हैं, उनके लिए भक्ति क्या है, वास्तव में भक्ति की परिभाषा भी नहीं जानते। भक्ति क्या है? सर्वोपाधीर विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधीर विनिर्मुक्तम, शरीर की उपाधि और ये उपाधि के मैं भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर, ये उपाधि से मुक्त होना है। वास्तव में मैं वास्तविक उपाधि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, इस अवस्था को प्राप्त करना वो है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तत्परत्वेन निर्मलम, पूर्ण रूपेण शुद्ध, हर एक कार्य में केवल भगवान की सेवा की अभिलाषा है, भगवान से सेवा लेने की अभिलाषा नहीं है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा में लगाना वो भक्ति है। तो ये सब सिद्धांत नहीं जानते हुए लोग भक्ति को नहीं समझते और भक्ति को बहुत ही सहज ले लेते हैं। हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे घर में भी भगवान की सेवा होती है, भगवान को भोग लगाते हैं, ये दे दिया हो गया प्रसाद, हम मार्केट से कुछ भी लेकर आते हैं और भगवान को भोग लगा दिया और हो गया प्रसाद। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे हमें शास्त्र और विशेष रूप से भगवान के प्रगाढ़ सेवकों द्वारा समझना होगा। भक्तिस्तु भगवत भक्तस संगेन परिजायते, भगवत भक्ति वो भगवान के भक्तों द्वारा, क्योंकि भक्ति परम धर्म है, वो शास्त्र का सबसे गूढ़ विषय है, वो भगवान के ऐसे विशेष सेवकों द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। एक जीव का और भगवान का जो प्रगाढ़ संबंध है इसे कैसे समझा जा सकता है? भगवान के प्रगाढ़ भक्तों अर्थात महाजनों द्वारा, महाजन ये न गतस्वपन्था, ये मार्ग है भक्ति का। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, भक्ति अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहैतु की अप्रतिहता भक्ति,
वो भगवान के ऐसे महान सेवकों द्वारा ही हमें प्राप्त होती है, वरना जो भक्ति की परिभाषा है वो कुछ और ही होगी। तो यहां हम देखते हैं कि कर्दम मुनि अपनी सभी इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में गंभीरता से नियोजित करते हैं, ये प्रयत्न है। इसलिए शास्त्र वर्णन है प्रयते कोविदः, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है जिससे भगवान हमसे प्रसन्न हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करूंगा और भगवान मुझे यहां से लेकर जाए, ये कोई भक्ति गंभीर समझ नहीं है। एक भक्त विनम्र रूप से भगवान की सेवा करता है गंभीरता से, जिससे भगवान प्रसन्न हो और उसे ये भवबंधन से मुक्त करे, विशेष रूप से भगवान के चरण कमलों में भगवान की दिव्य सेवा प्रदान करे। तो ये गंभीर विषय है, इसे समझना। अपनी मन और इंद्रियों को पूर्ण रूपेण संयमित करके भगवान की सेवा में अर्पण करना। कई बार हम देखते हैं भगवान की सेवा में इंद्रिय भोग की वृत्ति रहती है, हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है, उद्देश्य कुछ और है, इसे कहते हैं अन्य अभिलाषा, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम, यहां तो अन्य अभिलाषा है, मजा कर रहे हैं, जैसे भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं हम, लेकिन नृत्य का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, नृत्य का उद्देश्य है मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। इसलिए वास्तव में वो मृदंग करताल जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं होकर ऐसे ड्रम बजाओ, ये भगवान की प्रसन्नता नहीं है। तो भक्ति का गंभीर समझ नहीं है। इसलिए भक्ति को समझने के लिए इन सिद्धांतों को हमें समझना पड़ेगा। वास्तविक भक्ति कब होगी, वास्तविक हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में कब लगेगी, जब हम अनर्थों से मुक्त होंगे। पहले तो हमें समझना होगा कि अनर्थ है ये, भगवान की सेवा नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा है। इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते हैं सिद्धांत आलस्य जन अनर्थ तो छाड़े ना, जो इन सिद्धांतों को समझने के लिए उत्सुक नहीं है वो अपने अनर्थों को कभी भी नहीं छोड़ पाएगा और अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कभी भी नहीं कर पाएगा। कई बार हम जब प्रचार में लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार से इन सिद्धांतों को समझिए और गंभीरता से प्रयास कीजिए भगवान की सेवा करने के लिए, तो वहां उत्तर मिलता है जब भगवान की कृपा होगी तब हम भक्ति करेंगे। आलस जन वे कभी भी अपनी अनर्थों को नहीं छोड़ पाएंगे। तो उनकी अभिलाषाओं के अनुसार भगवान उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं, जैसी अभिलाषा है। प्रभुपाद आगे एक तात्पर्य में समझाएंगे कि आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये चार लोग भगवान के पास आते हैं, और क्योंकि वे भगवान के पास आते हैं तो इन चारों की अभिलाषा भगवान पूर्ण करते हैं। जो अर्थ दुखी है तो भगवान उसे कष्टों से मुक्त कर देते हैं, ठीक है मुक्त हो जाओ। अर्थार्थी जिसको कुछ धन भौतिक चीजें चाहिए उसे भी भगवान प्रदान करते हैं, ले लीजिए। जिज्ञासु जो बहुत ही जिज्ञासु है, वास्तव में भगवान की शुद्ध सेवा नहीं, जानना है बस, चीजें एकत्रित करना है, ज्ञान, ये भी कैसे होता है ये भी जान लिया, अब मैं सबको बता दूंगा, तो भगवान उसे ज्ञानी भी बना देते हैं। तो ये स्थिति है, लेकिन अपने शुद्ध चरणों की सेवा वो भगवान नहीं प्रदान करते। तो यहां हम देखते हैं कि कर्दम मुनि उनका उद्देश्य वास्तव में भगवान की शुद्ध सेवा है, लेकिन भगवान की लीलाओं को सहायक, भगवान की लीलाओं में सहायक होने के लिए भगवान की विशेष व्यवस्था से यहां कर्दम मुनि ये भी प्रकट करते हैं और ये बताते हैं कि एक बद्ध जीव की क्या स्थिति है। बद्ध जीव के लिए बहुत कठिन है भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना। एक व्यक्ति जो भगवान से केवल भौतिक आसक्ति मांग रहा है उसकी स्थिति कैसी होगी, जैसे भगवान प्रकट होंगे और भगवान कहेंगे वर मांगो तो पूरा अपना लिस्ट निकालेंगे, ये अभी अवसर मिल गया है, अभी तुरंत ही मैं इसे मांग लेता हूं भगवान से,
लेकिन हम देखते हैं कर्दम मुनि का, ये कर्दम मुनि जिस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे ये स्थिति नहीं है। अगर हम देखेंगे कि कर्दम मुनि के सामने जब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, तो किस प्रकार से कर्दम मुनि भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान की उपस्थित होने के बाद पहले कर्दम मुनि बता रहे हैं कि एक व्यक्ति भौतिक आसक्तियों के कारण भौतिक चीजों के लिए उसे भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी जो स्थिति है वो दयनीय है। वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जानता हूं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी यह स्थिति है, इसीलिए मैं आपसे इस प्रकार की सहायता चाहता हूं कि समानशील, ये मेरी जो काम इच्छाएं हैं मैं प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, तो किस प्रकार से आपकी सेवा में मैं स्थिर होकर ये सेवा कर सकूं, तो समानशील ऐसी पत्नी आप मुझे प्रदान करें। और भगवान भी यहां कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय क्या है, इसलिए तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। तो भगवान व्यवस्था सबके लिए करते हैं। यहां कर्दम मुनि यहां कहते हैं, कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्व के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं। फिर वे कहते हैं, आपके चरण कमल संसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत के तुल्य है, भवसिंधु पोतम। के वास्तव में आपके चरण क्या है, ये सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए है, लेकिन कोई यदि भगवान के चरण लेता है सांसारिक चीज प्राप्त करने के लिए, वो तो कितना मूर्ख है। जैसे हमें बिरला से मिलने का अवसर मिले और हम उनसे कहें कि मुझे 5 रुपए दीजिए, ये स्थिति है। और भगवान भी कहते हैं, चैतन्य चरितार्थ में वर्णन आता है कि वो जीव तो मूर्ख है लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि यदि हमारी भौतिक अभिलाषा है हमें भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान है सुहृदम सर्वभूताना, वो परम मित्र है, वो हमें भवबंधन में फिर से गिरने नहीं देंगे। यदि हम भगवान का आश्रय छोड़कर किसी देवी देवता के आश्रय में जाते हैं तो क्या होगा, वास्तविक हमारे ज्ञान का आवरण होगा। कामेस्तस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, और हमारी जो भी भौतिक आवश्यकता है वो वर के रूप में प्रदान कर देंगे। तथास्तु, आगे वर्णन आता है, श्रील प्रभुपाल लिखते हैं कि कर्दम मुनि उमा के पास जा सकते थे, उन्हें एक उचित पत्नी चाहिए थी, तो सुंदर पत्नी के लिए वे उमा के पास भी जा सकते थे, लेकिन वे भगवत भक्त थे इसलिए वे उमा के पास नहीं गए, वे भगवान के पास गए, क्योंकि भगवान परम मित्र होने के अनुसार जो हमारी आवश्यकता है वो प्रदान करते हैं। इसलिए वर्णन है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेणा भक्ति योगे, तीव्रेणा भक्ति योग, भगवान के पास जाना भी कैसे जाना है, तीव्रेणा भक्ति योगे न आत्मनियम, सभी इंद्रियों मन को गंभीरता से प्रयत्न करना है भगवान की सेवा में लगाना है ना, इससे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो यदि हमारे हृदय में भौतिक अभिलाषा भी है तो ये भगवान उसे पूरा नहीं करेंगे, ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं वो जीव मूर्ख है लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं। यदि हमारी इच्छा है बहुत धन एकत्रित करके भोग करना तो भगवान कृपावश उस धन को ले लेंगे, हम फिर से प्रयास करेंगे एकत्रित करना कि पूर्व बार असफल रहा लेकिन थोड़ा सा और प्रयत्न करते हैं, शायद इस बार हम सफल हो जाएं, भगवान फिर से ले लेते हैं। कब तक, जब तक हम पूर्ण रूप से त्रस्त नहीं हो जाते और भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते, है ना। ये भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुगृहणामि हरिष्ये तद्धनम शणै शणै, धीरे धीरे वो भक्त वास्तव में मेरी सेवा करना चाहता है लेकिन भ्रमित होकर उसे लगता है कि इससे आसक्त इस धन से लाभ मिलेगा, हरिष्ये तद्धनम शणै, उसका धन ले लेता हूं, ततो अधनम, फिर क्या होगा, उसका धन चला जाएगा, त्यजन्त्यस्य स्वजना, उसके स्वजन है धन चला गया, अभी व्यक्ति हमारे किस काम का है,
तो उसके स्वजन उसका परित्याग कर देंगे, स्वजना दुख दुखितः, और इस प्रकार से वो एक के बाद एक दुखों को प्राप्त करता है। वो इस मार्ग में है जिससे वो समझ सकता है कि भगवान के चरणों के सिवा और मेरा कोई आश्रय नहीं है। तो यहां कर्दम मुनि कहते हैं, आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्ध तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। तो पहले वर्णन कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर भौतिक चीज कौन मांगेगा, ये भौतिक चीज तो जीवन की हर अवस्था में मिलता है। कष्टान कामान अर्हते बीरभुजानिये, प्रभुपाद यहां लिखते हैं के निम्न योनि पशु योनि उनमें भी ये भौतिक सुख उपलब्ध है, तो ये भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या है। फिर कर्दम मुनि कहते, अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूं, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। तो अपनी असमर्थता व्यक्त करने के बाद यहाँ कर्दम मुनि भगवान से ये विनती करते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ और मैंने व्यवस्था कर दी है। और फिर आगे वर्णन आएगा कि कैसे वे कहेंगे कि स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ आएंगे, जो आपके विवाह के योग्य हैं, और आप उन्हें स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से यहाँ ये वर्णन आएगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जो हमारी भक्तिमय सेवा के लिए प्रतिकूल हैं, वो कभी नहीं देते। पहले तो हमें समझना चाहिए कि भक्तिमय सिद्धांतों के अनुसार हमें भगवान से भौतिक चीजों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो क्षणिक है। जो चीज हम मांग रहे हैं वो क्षणिक है, उसकी व्यवस्था भगवान ने ऑलरेडी कर दी है। तो जो चीज हमें उपलब्ध नहीं हुई है उसकी भगवान से अभिलाषा करनी चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा। अन्याभिलाषिता शून्यम अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। वो योग, वो प्राप्ति के लिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए, जो भगवान ही हमें दे सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपका कोई प्रश्न है इस विषय में पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, यह भी यही स्थिति है ना। वे जान रहे हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा कार्य है पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा करना, लेकिन कहीं असमर्थता भवबंधन के कारण, क्योंकि ये आसक्ति, विशेष रूप से हम ये देखते हैं कि ये इसके दो स्तर हैं। एक तो वे एक बद्ध जीव की स्थिति में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, और कई बार हम देखते हैं कि भगवान की योजना के कारण भगवान के भक्त ऐसी स्थिति में रखे जाते हैं। अभी इस अभिलाषा से भगवान स्वयं आएंगे कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में,
कर्दम मुनि और माता देवहूति के विवाह से भगवान आएंगे उनके पुत्र के रूप में, तो ये एक दृष्टिकोण है इसे समझने का। और दूसरा है, वास्तव में इस जगत की जो स्थिति है उसको समझाया गया है कि जब महान योगी जन भी इस भौतिक आसक्ति, विशेष रूप से पुरुष स्त्री आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकते, तो कैसे लिए संभव है साधारण जीवों के लिए जो इसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, जो इसको बहुत ही सहज रूप में ले रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये शिक्षा है ये समझना कि ये जो आकर्षण है बहुत जटिल है, इसलिए बहुत ही गंभीर प्रयास करना होगा भगवान की सेवा में, तभी इसे मुक्त हो पाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।